पैगंबरपुर सुखवासी लाल गांव में स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों का किया गया कोरोना टेस्ट। तहसील कांट के गांव पैगंबरपुर सुखवासी लाल के प्राइमरी स्कूल में मार्केट के सभी दुकानदार व गांव के लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया। बता दें कि SDM कांट के आदेश के अनुसार गाँव पैगम्बरपुर सुखवासी लाल में CHC कांट द्वारा आए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मार्केट के सभी दुकानदार व गाँव के लोगों का कोरोना टेस्ट किया। जानकारी देते हुए CHC कांट के डॉक्टर कुलदीप सिंह ने बताया कि गांव को क्लीन करने के लिए मार्केट के सभी दुकानदार व गांव के लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। इस कोरोना टेस्ट का रिजल्ट तुरंत प्राप्त होता है। अब तक लगभग 50 से 100 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया है जिनका रिजल्ट नेगेटिव आया है। खंड विकास अधिकारी अनुज कुमार चौहान ने बताया कि गांव को क्लीन करने के लिए सभी लोगों का टेस्ट किया जाएगा और जो व्यक्ति शासन प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के नियमों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। कहाँ पर कार्यरत है? CHC कांट। अच्छा, आज पैगंबरपुर में सैंपलिंग हो रही है। जी, ये क्या है? सैंपलिंग हो रही है, कितने लोग सैंपलिंग हो चुकी है? अभी 50 प्लस है। ये मतलब रोड पे जो दुकान है उन्हीं की सैंपलिंग है? नहीं, पूरा रैंडम हो रहा है, रोड पे है गांव में। अच्छा, तो सैंपलिंग की प्रोसेस चल रहा है, किस प्रकार चल रहा है? ये पूरा गांव हमको क्लीन करना है। तो पहले सैंपलिंग होती थी वो, उससे अभी प्रोसेस चेंज है क्या? ना, ये एंटीजन है, तुरंत ही इसका रिजल्ट आ रहा है। अच्छा, तुरंत रिजल्ट आ रहा है। तो अब तक ये जितने सैंपलिंग हुई है इसमें कोई पॉजिटिव आया? नहीं, अभी तक कोई पॉजिटिव। ये सैंपलिंग जो हो रही है पैगंबरपुर में, क्या प्रोसेस है? ये एंटीजन टेस्ट कराया जा रहा है, जो मार्केट के थे बैंक में जहाँ भी सालों में जो लोग बाग रह रहे हैं उनका एंटीजन टेस्ट करा के हाथ और रिजल्ट का दिया जा रहा है, जिससे गांव में कोई परेशानी ना हो और गांव हमारा क्लीन हो। ये मतलब कितने लोगों की सैंपलिंग हो? अभी तक 54 लोगों की सैंपलिंग हो चुकी है और आगे तक जा रही है, लगभग 200 प्लस सैंपलिंग कराएंगे। अभी तो कोई पॉजिटिव नहीं है? अभी कोई पॉजिटिव नहीं है।